डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ऑपरेंड फॉरवर्डिंग, या जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम जनरली यूज करते हैं टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रीड आफ्टर राइट डेटा हजार्ड। तो गाइज, मैं आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा कि कॉन्सेप्ट है क्या और कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये हम यूज क्यों करते हैं, जो डेटा हजार्ड है वो क्या क्रिएट करता है, वो यहाँ पे स्टॉल क्रिएट कर देता है पाइपलाइनिंग के अंदर, जिसकी वजह से मेरा जो सीपीआई वन, जो मेरा टारगेट होता है पाइपलाइनिंग में, सीपीआई वन दैट इज क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन एक, मतलब हर क्लॉक में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, बट वो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में गैप आ जाएगा, स्टॉल आ जाएगा। तो इसीलिए हम उसको रिजोल्व करने के लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं। तो जो आपकी यहां पर रीड आफ्टर राइट हजार्ड है, जो रीड आफ्टर राइट हजार्ड है, ये ऑपरेंड फॉरवर्डिंग या शॉर्ट सर्किटिंग मेथड से हम रिजॉल्व करते हैं। और जो आपका राइट आफ्टर राइट एंड राइट आफ्टर रीड, वो हम करते हैं रजिस्टर रीनेमिंग से। तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में, उसकी पूरी कहानी आपको बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, सजेस्टेड वीडियो में दिया हुआ है, तो आप उसको भी जरूर कवर कर लें। देन यहां पे चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले रीड आफ्टर राइट, रीड आफ्टर राइट का मतलब क्या है, देखो मेरा यहां पे आई वन था, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, आर वन और आर टू की वैल्यू को एड करके आर थ्री में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यही आर थ्री को कोई रीड कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई रीड कर रहा है, मतलब रीड आफ्टर राइट, राइट के बाद कोई रीड कर रहा है। जैसे देखो आर वन और आर टू की वैल्यू लेट से मेरी 10 और यहां पे है मेरी 20, तो ये क्या होगी, वैल्यू 30 होगी। तो जब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई टू एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली ये कायदे से क्या वैल्यू रीड करनी चाहिए, इसको 30 रीड करनी चाहिए, क्योंकि इससे जस्ट ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन ने अभी अभी R3 की वैल्यू को 30 किया है। और अगर इसने 30 रीड नहीं किया, लेट से अगर कि इसने कोई और वैल्यू रीड कर ली, लेट से 10 रीड कर ली या 100 रीड कर ली, तो यानी वो आंसर तो देगी बट वो आंसर गलत होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है वो रीड आफ्टर राइट के केस में ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करते हैं। अब लेट से यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा पाइपलाइनिंग, इसको मैं पूरे एग्जांपल से आपको बताता हूं कि लेट से मेरा जो पाइपलाइनिंग है, फाइव स्टेज पाइपलाइनिंग है, यहां पे सबसे पहले आप बना लेते हैं फाइव स्टेज पाइपलाइनिंग। सबसे पहले मेरा इंस्ट्रक्शन फेच एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग वाला काम हो रहा है, दूसरे में हमारे पास क्या हो रहा है, ऑपरेंड को फेच कर रहे हैं, तीसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चौथे स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी, अगर मुझे कोई भी मेमोरी को, अगर किसी पर्टिकुलर मेमोरी से मुझे डेटा को रीड करना है या राइट करना है, तो मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, राइट बैक कर रहे हैं। मतलब कहने का कि ये मेरी पांच स्टेजेस हैं, फाइव स्टेजेस हैं पाइपलाइनिंग के अंदर। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच और डिकोड करेंगे। लेट से मेरी आई वन है, आई वन इंस्ट्रक्शन को मैं क्या करूंगा, फेच करूंगा, मेमोरी में जहां पर पड़ी होगी उससे हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से हम उसको क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। डिकोडिंग का मतलब उसको इंटरप्रेट करेंगे कि भैया ऑपरेंड कहां से उठाना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये कहानी आपको पता है। तीसरे फेज में एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास जो है इस तरीके से कहानी बन जाती है कि लेट से मेरे पास कुछ रजिस्टर्स हैं, मेरे पास यहां पे लेट से रजिस्टर्स हैं, R1 है, R2 है, जहां पे हम ऑपरेंड को लेके आते हैं ताकि हम उसको बाद में फेच कर सकें। तो यह लेट से मेरे पास कुछ यहां पे रजिस्टर्स हैं। दूसरा मेरे पास यहां पे क्या है, ALU है, क्योंकि ALU का पर्पस क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ये काम क्या करता है, जो भी प्लस माइनस जो भी करना है उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। तो एक चलता कैसे है, यहां पे हमारे पास जो है इस तरीके से दो टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं, T1 एंड T2, ठीक है। तो ये करते क्या है, रजिस्टर्स में जो डेटा है, जैसे R1 और R2 है, R1 R2 में जो भी डेटा है हम उसको पहले T1 और T2 में लेके आएंगे, उनके बीच में जो भी प्लस माइनस करना उसको करेंगे, और फिर फाइनल आउटपुट मेरी आ जाती है, लेट से T3 के अंदर मेरी फाइनल आउटपुट आ जाती है। और फिर हम क्या करते हैं कि उसको जब मेमोरी, बीच में चौथा स्टेप क्या आ गया, एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है, इन दोनों में वैल्यूज आ गई और उसको हमने कहां पे स्टोर कर दिया, T3 में स्टोर कर दिया। देन लेट से मुझे कोई मेमोरी को भी रीड करना है, कोई भी मेमोरी है मेरे पास, लेट से मेन मेमोरी में कोई पर्टिकुलर लोकेशंस को रीड करना है, राइट करना है, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर्स को, मेमोरी बफर रजिस्टर को। तो लेट से मुझे कुछ रीड करना है तो मैं रीड कर सकता हूं, कुछ मेमोरी में राइट
राइट करना है तो राइट कर सकता हूं। और फाइनली राइट बैक क्या करता है कि वट एवर वैल्यू इज चेंज, जो नई वैल्यू यहां पे आई है ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, उन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, वापिस रजिस्टर्स में डाल देते हैं ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज कर सके। और ऐसी अगर मेमोरी से मुझे कुछ रीड राइट किया है वो भी मैं राइट बैक जब करेंगे तो रजिस्टर्स में डाल देंगे ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसको यूज कर सके। ये बेसिक सी कहानी है एक्चुअल में कि कैसे काम होता है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, लेट से आपने इंस्ट्रक्शन को फेच किया, डिकोड किया, पहले वाली आई वन को फेच किया, डिकोड किया, ऑपरेंड को आपने फेच कर लिया, मतलब आर वन और आर टू की वैल्यू जो है, आर वन और आर टू की वैल्यू को आपने फेच किया। आर वन लेट से ये रहा मेरा आर वन, इसकी वैल्यू थी 10 और आर टू की वैल्यू थी 20, तो हमने उसको फेच किया। फेच करने का मतलब है यहां पे 10 आ गया, यहां पे मेरी वैल्यू जो है वो 20 आ गई, ऑपरेंड फेच की बात कर रहा हूं, तो यहां पे 10 और यहां पे 20 आ गई। अब नेक्स्ट आया एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, 10 प्लस 20, क्या करना है, प्लस करना है ना, तो 10 प्लस 20 यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, 30। ये टेम्परेरी रजिस्टर में वैल्यू कितनी आ गई, 30। देन मेमोरी, मेमोरी यहां पे हम कुछ कर ही नहीं रहे, हमारी इंस्ट्रक्शन में सिर्फ हम रजिस्टर्स को यूज कर रहे हैं। अगर मेमोरी को यूज कर रहे होते हम मेमोरी को यूज कर लेते, लेकिन यहां पे लेट से कोई मेमोरी का यूज नहीं है तो ठीक है। देन राइट बैक, अब राइट बैक के बाद क्या होगा, जब हम राइट बैक करेंगे, जब इस स्टेज पे पहुंचेंगे तो ये जो 30 है, ये 30 हम वापस कहां भेज देंगे, रजिस्टर के अंदर भेज देंगे, किसमें, R3। तो R3 रजिस्टर में क्या वैल्यू आ जाएगी, 30 आ जाएगी। लेकिन ये कब आएगी, याद रखना कब आएगी, जब राइट बैक कंप्लीट होगा। अब उसके बाद लेट से दूसरी इंस्ट्रक्शन आती है, दूसरी इंस्ट्रक्शन आती है तो वो भी क्या करेगी, वो भी यहां से स्टार्ट करेगी ना, सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगी और डिकोड करेगी, उसके बाद वो ऑपरेंड को फेच करेगी, किसको करेगी, ऑपरेंड को फेच करेगी, मतलब दूसरी इंस्ट्रक्शन ने R4 और R3 को फेच किया, R4 और R3 को फेच किया। गाइस याद रखो, R4 और R3 को फेच करेगी जब यहां पे, लेट से अगर वो R4 और R3 को फेच करेगी, कलर जो है वो अपन इसको ले लेते हैं ब्लू, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास क्या कह रहा है कि लेट से अगर R4 और R3, R4 में जो भी वैल्यू है और R3 में जो भी वैल्यू है उसको यहां पे वो फेच करेगी, तो गाइज आपको पता है कि ये 30 कब आएगा, ये 30 तो तब आएगा जब एक्चुअल में राइट बैक कंप्लीट होगा। अभी राइट बैक तो हुआ ही नहीं, अभी तो हम इस स्टेज पे हैं, इस स्टेज पे तो अभी राइट बैक हुआ ही नहीं, तो यहां पे 30 अभी जो है वो नहीं आया, 30 आपका यहां पे अभी नहीं आया, तो 30 आपका यहां पे नहीं आया तो ऑब्वियसली हम यहां पे इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या होगा, ये ऑपरेंड फेच ऑब्वियसली परफॉर्म यहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको परफॉर्म करते हैं तो ये 30 रीड नहीं करेगा, ये कुछ गलत वैल्यू को रीड कर सके, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, यहां पे एक तरह से इसको बोलेंगे कि भैया तू यहां पे परफॉर्म अभी मत हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका यहां पे स्टॉल, मतलब कुछ भी काम नहीं होगा, यहां पे भी कुछ नहीं होगा और यहां पे भी कुछ नहीं होगा, तो ये तीन क्या हो गए, यहां पे स्टॉल क्रिएट हो गए, इन तीनों में कुछ भी काम नहीं होगा क्योंकि ऑपरेंड फेच आपका फिर यहां जाके होगा, ऑपरेंड फेच आपका यहां जाके होगा। रीजन उसका क्या है, जब राइट बैक होगा तब जाके आपके ऑपरेंड फेच की वैल्यू प्रॉपर वैल्यू हो सकती है, क्योंकि राइट बैक के बाद ही ये 30 कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, तब जाके आप जो है वो ऑपरेंड फेच करोगे, तो यहां पे कितनी आएगी वैल्यू, 30 आ जाएगी, एक तरह से यहां पे वैल्यू जो है वो 30 तब रीड होगी, लेकिन यहां पे अभी वैल्यू रीड नहीं हो सकती, तो इसलिए कोई भी काम यहां पे नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, यहां पे स्टॉल क्रिएट हो गए, तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है। तो ऑब्वियसली ये CPI 1 होगा ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऑपरेंड फॉरवर्डिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग क्या कहता है कि ये जो वैल्यू यहां पे 30 थी ना, ये जो एग्जीक्यूट फेज के बाद वैल्यू यहां पे 30 आ गई थी ना, ये 30 यहां पे टेम्परेरी रजिस्टर में थी, लेकिन हमने उसको यहां नहीं डाला, कब तक, जब तक राइट बैक नहीं होता। तो ये कहता है ऑपरेंड फॉरवर्डिंग क्या कहता है, जब आपके पास एग्जीक्यूट फेज के बाद 30 आ गई तो आप उस 30 को या उस वैल्यू को तुरंत यहीं पे दोबारा से इन्वर्ट कर दो, मतलब इसको दोबारा से इन्वर्ट कर दो, यहीं पे डाल दो, ताकि आपको इतनी देर वेट ना करना पड़े, आप उसको जल्दी से भी रीड कर सके। तो इस केस में होगा क्या कि जैसे इंस्ट्रक्शन आई, उसने यहां पे इंस्ट्रक्शन ने फेच किया, इंस्ट्रक्शन ने डिकोड किया, तो जब ऑपरेंड फेच की
आरई आएगी तो ऑपरेंड फेच के टाइम पे जब ये ऑपरेंड फेच करेगी तो आर फोर को तो रीड कर सकती है, आर फोर को तो रीड करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वो तो अलग वैल्यू है। आर थ्री को वो एक बार रीड कर लेगी, आर थ्री को वो कोई भी वैल्यू जो है वो रीड कर लेगी, लेकिन जैसे ही वो ऑपरेंड फेच आपका कंप्लीट होगा जब वो एग्जीक्यूट फेज में आएगा तो ऊपर वाले एग्जीक्यूट ने क्या किया, इस 30 को एक तरह से इसमें डाल दिया, मतलब इस 30 को उसने इनवर्ट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू रीड कर लेगा, 30 वैल्यू रीड कर लेगा जो कि जेन्युइन वैल्यू है। तो यहां पे सिर्फ हम इस चीज को, ये स्टॉल को कम करने के लिए हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इस 30 को ऑपरेंड को हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब ऑपरेंड को हम पहले ही बोल रहे हैं कि भैया तू पहले ही चला जा ताकि नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन उसको यूज कर सके। तो नेक्स्ट केस में इंस्ट्रक्शन फेच डिकोड हुआ, ऑपरेंड फेच आपका तुरंत हो जाएगा, ऑपरेंड फेच आपका तुरंत हो जाएगा, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करो, उसके बाद मेमोरी अगर करना है तो कर लो, उसके बाद राइट बैक करना है तो कर लो, तो कोई भी स्टॉल क्रिएट नहीं होगा। बस ये लास्ट में पॉइंट बता दूं, इन केस अगर आपको लग रहा है कि सर ऑपरेंड फेच अभी यहां पे 30 नहीं आई है, अभी यहां पे वैल्यू 30 नहीं आई है, तो कोई बात नहीं, वट एवर वैल्यू इट विल रीड, बट जैसे ही ऑपरेंड फेच के बाद एग्जीक्यूट फेज में जाएगा ना, एग्जीक्यूट फेज में जाते ही ऊपर वाले ने 30 वैल्यू अपडेट कर दी, तो वो वैल्यू जो भी थी वो ओवरराइट होके न्यू वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कोई स्टॉल क्रिएट नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका ऑपरेंड फॉरवर्डिंग का। तो इससे होगा क्या, जो राइट आफ्टर रीड की वजह से स्टॉल क्रिएट हो रहे थे वो स्टॉल आपके क्रिएट नहीं होंगे, तो जो आपकी सीपीआई 1 मतलब हर एक क्लॉक में एक इंस्ट्रक्शन होगी तो वो आपकी मेंटेन रहेगी। थैंक यू।